की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब जितने हमारे पब्लिक दर्शक हैं आर्यावर्त टुडे को हम लोग दो एजेंडा तय किए हैं। पहला है कि बबलू जो चलाया जो जा रहा है कोचिंग संस्था या हॉस्टल, इसमें अपने समाज के हर साल 5 बच्चे को, मेधावी बच्चे को यहाँ फ्री में रखेंगे, ये रहना खाना उसमें देंगे और बच्चे अपना पढ़े लिखे आगे निकले, इनका एक प्रयास है। बच्चों का सिलेक्शन आप कैसे कीजिए, क्योंकि बच्चे आप सिर्फ 5 लेने वाले हैं? आधार पर लेंगे, इंटर का मार्क्स और इसका रिटर्न एग्जाम के बाद। ये सारे समाज को मैसेज कैसे जाएगा कि आप इस के माध्यम से? हमारे ग्रुप है बहुत सा समाज का, उसके माध्यम से जाएगा मैसेज। ये कब होने वाला है? होली के बाद। बैठक हुई थी, क्या कुछ हुआ आज? लगता है क्या बातें हुई? बात यही हुई है कि अभी जो हम लोग यहाँ पर इस संगठन का जो कमेटी तैयार कर रहे थे, इस कमेटी पर बातचीत हुई है और कमेटी हम लोग को बन चुकी है। अभी जो है सिर्फ हमारा जो हॉस्टल में है, विश्वकर्मा समाज के जो हॉस्टल बनाए हैं, पहला प्राथमिकता है कि अपने समाज की कोई भी बच्ची आती है उसे कम पैसे में रखा जाएगा। दूसरा प्राथमिकता है कि कोई आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर बच्ची है उसे फ्री में रखा जाएगा, वो यहाँ रह करके अपना जो भी तैयारी करना चाहती हैं, बैंकिंग वगैरह, रेलवे, UPSC, BPSC सारे अपना कर सकती हैं। खाना पीना मेरे तरफ से फ्री रहेगा उनको। बैठक में कितने लोग शामिल हुए हैं? पूरे बिहार से, विभिन्न जिलों से आए थे, और जिसमें सुपूजन ठाकुर जी भी थे और रामभरोस बाबू भी थे और मुकेश सर हैं और रंजन शर्मा जी भी हैं, रवि भूषण शर्मा जी हैं, और भी लोग आए हुए थे। हमारा समाज एकजुट है और हमारे साथ सब मिलकर के इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए लोग लगे हुए भी हैं कि संस्था को आगे और बढ़ाया जाए। और हमारा जो है विश्वकर्मा विवाह मंडप जो है चल रहा है, जो मैरिज ब्यूरो, उसके माध्यम से अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्ची है उसे हम सामूहिक विवाह के लिए भी योजना हम निकाल रहे हैं, अगर वैसा हो तो हमारे पास आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबलू शर्मा है और मेरा संस्था का नाम विश्वकर्मा विवाह मंडप, और संयोजक है विश्वकर्मा जन कल्याण समिति पटना।